नमस्कार, मैं अंजलि बख्तर बिहारी न्यूज से। कौन बनेगा मोदी सरकार में मंत्री? जी हाँ, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं केंद्र की नव निर्वाचित नरेंद्र मोदी सरकार में बिहार से कौन कौन सांसद मंत्री बनने जा रहा है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि आने वाले 30 मई को नरेंद्र मोदी दूसरी बार बतौर प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं। उनके साथ मंत्रिपरिषद के भी कई लोग शपथ ग्रहण करेंगे। ऐसे में यह चर्चा तेज हो चुकी है कि कौन कौन बिहारी सांसद मंत्री बनने जा रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि बिहार से इस बार भी पिछली बार की तरह दर्जन भर सांसद मंत्री बन सकते हैं। इस बार जेडीयू के सांसद भी मंत्री बनेंगे। ऐसे में जहां कुछ नए सांसदों को मौका मिलने जा रहा है, तो वहीं कुछ पुराने सांसदों का पत्ता साफ भी होने वाला है। बात करें जेडीयू कोटे की, तो इस पार्टी को करीब 3 मंत्री पद मिलने की संभावना है। राज्यसभा सांसद आरसीपी सिंह, राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह और दिनेश चंद्र यादव मोदी सरकार से मंत्री बन सकते हैं। एक नाम जेडीयू की राज्यसभा सांसद कहकशा परवीन का भी आ रहा है। अल्पसंख्यक वोटों को साधने की नियत में नीतीश कुमार इन्हें भी मंत्रिमंडल में शामिल कराने को इच्छुक हैं। वहीं पटना साहब सीट से शत्रुघ्न सिन्हा को खामोश करने वाले रविशंकर प्रसाद का भी मंत्री बनना करीब करीब तय है। इसके अलावा जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार को मात देने वाले फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह भी मोदी प्रतिमंडल की शोभा बढ़ा सकते हैं। इनके अलावा आरा से दूसरी बार जीत कर आए आरके सिंह का भी मंत्री बनना करीब करीब तय है। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया रामविलास पासवान द्वारा मंत्री बनने से इनकार किए जाने के बाद उनके बेटे और जमुई सांसद चिराग पासवान मोदी सरकार में अपनी पार्टी के कोटे से मंत्री बनेंगे। लोकसभा की 6 सीट जीत कर आने के बाद उनकी पार्टी का एक अन्य सांसद को केंद्रीय राज्य मंत्री का पद मिल सकता है। ये पद उनके चाचा रामचंद्र पासवान अथवा पशुपति कुमार पारस को मिल सकता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।